So, मेरे भाइयों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं जियो सेट टॉप बॉक्स वर्सेस Amazon की फायर टीवी स्टिक। भाई डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं कि आपको जियो का सेट टॉप बॉक्स लेना चाहिए या फिर Amazon की फायर टीवी स्टिक लेनी चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो तो मेरे भाई आज इस वीडियो में आपका कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं। सो अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देखना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई बता देना चाहता हूं कि जियो का सेट टॉप बॉक्स आपको तभी मिल सकता है अगर आप जियो का फाइबर या एयर फाइबर वाला कनेक्शन लेते हो। वैसे ये मार्केट से आपको नहीं मिलता है, अगर मिल भी जाएगा तो फिर भी आप इसे यूज नहीं कर पाओगे। अगर हम बात करें भाई Amazon की फायर टीवी स्टिक की, तो मेरे भाई इसको लेने के लिए आपको कोई मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है। सीधा ही Amazon के ऊपर जाओ भाई, अब सेल भी चल रही है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, उसमें सस्ती भी मिल रही है, तो जाके खरीद सकते हो। सो एक लाइट वर्जन आता है, एक उससे ऊपर वाला वर्जन आता है, मतलब तीन वर्जन आते हैं 4K तक आपको Amazon Fire TV Stick देखने को मिल जाएगी। मेरे हाथ में भाई ये फुल HD वाली है, 1080 वाली, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप मतलब लालच कर रहे हो कि मान लो कि आप जियो का फाइबर या एयर फाइबर वाला कनेक्शन ले लोगे तो उसके साथ आपको जियो का सेट टॉप बॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। हाँ मेरे भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिल जाता है, बट दिक्कत पता क्या है कि जब तक आप जियो का फाइबर या एयर फाइबर वाला कनेक्शन यूज करते रहोगे तब तक ही आपके पास सेट टॉप बॉक्स रहता है। अगर आप इनका कनेक्शन कटवा दोगे तो आपके घर से भाई जियो वाले बंदे सेट टॉप बॉक्स या फिर जो भी सामान है वो भी ले जाएंगे, क्योंकि इसको आपने परचेज नहीं किया है, ये आपको वैसे ही फ्री में यूज करने के लिए जियो ने दिया है, एज ए भाड़े पे दिया है, ठीक है। बट अगर हम Amazon की फायर टीवी स्टिक की बात करें तो इसको तो हम भाई परचेज कर रहे हैं ना, इसके पूरे पैसे दे रहे हैं, तो इसको तो भाई कोई ले जा ही नहीं सकता क्योंकि हमने इसके पैसे दे दिए हैं। सो ये तो सबसे बड़ी बात है अवेलेबिलिटी की, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इस वीडियो में आपका पूरा मन बन जाएगा कि जियो का सेट टॉप बॉक्स आपको अगर लेना है तो मेरे को फाइबर कनेक्शन लेना चाहिए या फिर मेरे को Amazon की फायर टीवी स्टिक लेनी चाहिए। तो सबसे पहले भाई इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, जो कि आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो, बट साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे क्योंकि भाई जियो का सेट टॉप बॉक्स मेरे को यूज करते हुए लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं। भाई Amazon की फायर टीवी स्टिक को मेरे भाई मैंने 2021 या 22 में परचेज किया, तो इसको काफी साल मेरे को यूज करते हुए हो चुके हैं, ठीक है। जो फायर टीवी स्टिक है ना Amazon की, इसमें सबसे बड़ी कौन जो है ये होती है कि इसमें आप RJ45 वायर नहीं लगा सकते हो, कहने का मतलब इंटरनेट वायर नहीं लगा सकते हो, और ना ही इसमें पेन ड्राइव लगती है, बट इसके कनेक्टर वगैरह आते हैं, वो आपको ही ऑनलाइन परचेज करने पड़ेंगे Amazon से ही। फिर आप RJ45 वायर लगाने के लिए कन्वर्टर लेना है ले सकते हो, बाकी पेन ड्राइव लगाने के लिए अगर कन्वर्टर लेना वो ले सकते हो। बट अगर आप RJ45 वायर लगाने के लिए कन्वर्टर लेने के बारे में सोच रहे थे तो ये 100 MBPS तक की सपोर्ट करता है जो इनका आता है, मतलब कि Amazon के ऊपर मिलता है, ठीक है जी। सो मैंने भी एक बार परचेज किया तो 100 MBPS की ऊपर स्पीड तो आती नहीं है कन्वर्टर लगाने के बाद, ठीक है। बट हाँ, अगर वायरलेसली कनेक्ट करोगे तो जो इंटरनेट प्रोवाइडर आपको स्पीड दे रहा है उतनी ही मिलेगी, ठीक है। बट हाँ, अगर बात करें भाई जियो की सेट टॉप बॉक्स की, तो इसमें सबसे बड़ी जो खूबी है कि इसमें आप जैसे कि RJ45 वायर इंटरनेट केबल भी लगा सकते हो और पेन ड्राइव वगैरह भी लगा सकते हो, ठीक है। 3.0 तक इसमें पेन ड्राइव लग जाती है, ठीक है। जियो के सेट टॉप बॉक्स में हम आसानी से क्या मिलता ही नहीं है, मतलब कि अगर आपको स्क्रीन मिररिंग करनी है, कहने का मतलब अपना मोबाइल जो है टीवी में लेके जाना है, ठीक है, तो जियो के सेट टॉप बॉक्स में आप नहीं कर सकते हो, चुगाड़ वगैरह लगा के कर सकते हो। बट आसानी से अगर बात करें तो फायर टीवी स्टिक में आसानी से आप स्क्रीन मिररिंग कर सकते हो। तो भाई जियो के सेट टॉप बॉक्स की बात करूं तो जियो के सेट टॉप बॉक्स में आप थर्ड पार्टी एप्स इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, इन्होंने लॉक वगैरह लगाया है, ठीक है, इसकी वजह से। और जो एप्लीकेशन इनके जियो स्टोर में, मतलब कि जियो के सेट टॉप बॉक्स में एक इनका स्टोर दिया है, उसमें जो भी एप्स हैं, एप्लीकेशन है, वो ही आप इंस्टॉल कर सकते हो, थर्ड पार्टी या फिर आप अपने मोबाइल से सेट टॉप बॉक्स में सेंड नहीं कर सकते हो, इन्होंने लॉक वगैरह लगाया है। अगर हम बात करें भाई फायर टीवी स्टिक में, तो मेरे भाई इसमें काफी फ्रीडम देखने को मिल जाता है, आप थर्ड पार्टी ऐप जो मर्जी ऐप भाई अपने
मोबाइल से अमेजोन की फायर टीवी स्टिक में सेंड कर सकते हो और आसानी से चलता भी है। सो अगर रिमोट कंट्रोल की बात करूं तो भाई जियो के सेट टॉप बॉक्स में जो रिमोट आता है वो काफी लंबा चौड़ा आता है। अगर अमेजोन की फायर टीवी स्टिक में बात करूं तो काफी छुटकू सा आता है और इसमें भाई आप चैनल वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है, मतलब कि चैनल को चेंज करने के लिए रिमोट में ऑप्शन दिया गया है जियो के सेट टॉप बॉक्स में। अगर अमेजोन की फायर टीवी स्टिक देखूं तो इसमें कोई भी ऐसा रिमोट में ऑप्शन नहीं दिया गया है जैसे आप चैनल वगैरह डायल नंबर डायल करके लगाना चाहो नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर बात करूं दोनों की परफॉर्मेंस की तो मेरे भाई दोनों की परफॉर्मेंस लगभग सेम देखने को मिली है, बट मैं अगर बात करूं कभी कभार मेरे को जियो का सेट टॉप बॉक्स में लैग देखने को मिला है। अगर अमेजोन की फायर टीवी स्टिक की बात करूं तो इसमें भाई लैग वगैरह मेरे को देखने को नहीं मिला है। सो मैंने आपको पहले बताया कि ये मेरे पास फुल HD वाला जो है थर्ड जनरेशन वाली फायर टीवी स्टिक है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मैंने भाई जियो टीवी प्लस एप्लीकेशन जो हमें सेट टॉप बॉक्स में इंस्टॉल ऑलरेडी देखने को मिलती है वो मैंने अमेजोन की फायर टीवी स्टिक में भी यूज़ की है और बढ़िया चल रही है। ऐसी बात नहीं है कि इनका जो जियो टीवी प्लस है वो सेट टॉप बॉक्स में अच्छा चलता है एप्लीकेशन, बट फायर टीवी में भी अच्छा चला था, मैंने चलाया था, ठीक है। दोनों की परफॉर्मेंस बढ़िया है। अगर दोनों की बात करूं तो दोनों में से भाई अमेजोन फायर टीवी स्टिक की जो परफॉर्मेंस मेरे को बढ़िया लगी है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि इनका ना एक सबसे बड़ी जो दिक्कत हम मेरे को देखने को मिली है जिसमें भाई वॉइस असिस्टेंट इन्होंने दिया है ना जियो ने अपने सेट टॉप बॉक्स में रिमोट कंट्रोल में देखने को मिलता है, तो भाई वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता। कभी कभार मैंने देखा है कभी कभार अच्छे से काम करता है, मतलब कि अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है। बट अगर मैं अमेजोन अलेक्सा की बात करूं इसमें दिया गया है अमेजोन के फायर टीवी स्टिक में तो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है, ठीक है। सो आप अगर इनके होम पेज के ऊपर हो ना तो आप कुछ भी इनको कमांड दो कि यूट्यूब पे ये लगा दो, ये OTT निकाल दो, तो फट से निकाल देता है। तो इसमें भाई ये यूट्यूब कभी ओपन करता नहीं है, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं भाई। अगर इसमें मैं पॉइंट देना चाहूँ तो भाई वॉइस असिस्टेंट जैसे कि अमेजोन अलेक्सा जो है इसमें बढ़िया काम करती है। सो ओवरऑल अगर बात करूँ OTT का क्या एक्सपीरियंस मेरा रहा है, जैसे कि हम कोई भी G5, सोनी लिव या फिर हम डिज्नी प्लस हॉटस्टार या फिर अमेजोन प्राइम हॉटस्टार या फिर कोई भी एप्लीकेशन जो मैंने यूज़ की है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है दोनों में, तो भाई दोनों में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है। अगर आप अमेजोन फायर टीवी स्टिक की बात करो तो इसमें भाई काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, ये नहीं कभी कभार लैग देखने को मिला है, मतलब क्रैश हो जाती है एप्लीकेशन, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जियो के सेट टॉप बॉक्स में भी कुछ ऐसा इशू नहीं है। अगर अपडेट की बात करूं तो भाई जियो भी अपने सेट टॉप बॉक्स में अपडेट भेजता ही रहता है। और अगर बात करूं अमेजोन फायर टीवी स्टिक की तो अमेजोन वाले भी भाई काफ़ी अपडेट मतलब रेगुलर भेजते रहते हैं, जो भी मेजर अपडेट जो भी चेंजेस करने होते हैं। तो मेरे को ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे को 2021 या 22 में मैंने इसको परचेज किया था, तो तब से लेके अब 2024 चल रहा है अक्टूबर का महीना, तो अब तक भाई अपडेट इनकी आ रही है। सो अगर आप मान लो एंड्रॉयड कोई भी बॉक्स लेना चाहते हो, ठीक है जी, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भाई इतनी देर तक अपडेट लगातार भेजता भी होगा, ठीक है। सो ये बड़ी खूबी है जो अमेजोन की फायर टीवी स्टिक में देखने को मिल जाती है। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ कि दोनों का जो रिमोट एक्सेस है आपको ब्लूटूथ के द्वारा देखने को मिलता है। अगर मान लो आपको टीवी के सामने नहीं करना है, डिवाइस के सामने नहीं करना है, तो आप जहाँ कहीं भी मर्जी बटन दबाओगे तो आप सेट टॉप बॉक्स भी वर्क करता है और अमेजोन की फायर टीवी स्टिक भी वर्क करती है। एंड दी एंड यार मेरा कंक्लूजन क्या है कि आपको अमेजोन की फायर टीवी स्टिक लेनी चाहिए या फिर जियो का सेट टॉप बॉक्स लेना चाहिए। सो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जियो का सेट टॉप बॉक्स लेने के लिए आपको जियो का फाइबर या एयर फाइबर वाला कनेक्शन लेना ही पड़ेगा। सो अगर आपने मन बना लिया है कि मैं जियो फाइबर या एयर फाइबर का मतलब मेरे को इंटरनेट भी चाहिए वो कनेक्शन भी ले लूंगा और मेरे को सेट टॉप बॉक्स भी मिल जाएगा, तब तो मेरे भाई ये ठीक है, ऐसा कुछ इसमें इशू नहीं है। हाँ थर्ड पार्टी ऐप वगैरह इसमें नहीं आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं भाई मेरे को मतलब कि सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन ही लेना है, चाहे आप किसी भी कंपनी का लो, ठीक है, तो तब आप बिल्कुल एक अच्छी च्वाइस है, आप अमेजोन की फायर टीवी स्टिक ले सकते हो। सो कि कहीं पे भी भाई
कहीं पे भी ये अजियो के सेट टॉप बॉक्स से पीछे नहीं रहती है अमेजोन की फायर टीवी स्टिक, सो आगे ही दो कदम निकल जाती है। बस इसमें नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसमें भाई जी आपको यूएसबी नहीं लगा सकते हो और RJ45 आप नहीं वायर लगा सकते हो। बाकी भाई कहीं से भी भाई जियो के सेट टॉप बॉक्स से ये अमेजोन फायर टीवी स्टिक कम नहीं है। बाकी भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आपको अमेजोन फायर टीवी स्टिक अगर लेनी है तो ले सकते हो, क्योंकि ग्रेट इंडी फेस्टिवल सेल में ही ये सबसे सस्ती देखने को मिलती है। 4K लेनी है 4K ले लो भाई, फुल HD लेनी है फुल HD ले लो, बाकी अगर लाइट वर्जन लेना है लाइट वर्जन ले लो। बाकी मैं आपको राय देना चाहूंगा कि आप फुल HD वाली ही थर्ड जनरेशन वाली ये वाली जो अमेजोन फायर टीवी स्टिक लेना, और मेरा काफी एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई जाते जाते एक चीज बता देना चाहता हूं कि जब मैंने दोनों के बॉक्स को ओपन किया था तो दोनों में मेरे को ना बैटरीज देखने को मिली थी, आपको एक्स्ट्रा परचेज करनी नहीं पड़ेगी। बट हाँ, अगर भाई कोई भी और डाउट आपके मन में आ रहा है, अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो मेरे को कमेंट में आप जरूर पूछना, और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके अपने YouTube चैनल टेक पत्री के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लेना। सो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, टिल देन अवे ग्रेट डे, ऑलवेज स्माइलिंग, जय हिंद।